नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कांग्रेस महासचिव और यूपी के प्रभारी प्रियंका गांधी ने नए साल के मौके पर 10 लाख कैलेंडर छपवाए हैं, जिन्हें राज्य के अलग अलग शहरों और गांवों में बांटा जाएगा। 12 पन्नों के इस कैलेंडर के हर पन्ने पर प्रियंका गांधी की बड़ी तस्वीरें हैं। नए साल के इन कैलेंडरों को हर गाँव और शहरों के हर वार्ड में बांटा जाएगा और पार्टी पदाधिकारियों को इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं इस कैलेंडर की फोटो में प्रियंका गांधी एक्शन में नजर आ रही हैं। पहले पन्ने पर सोनभद्र के उम्भा जनसंहार के बाद अपनी संवेदना व्यक्त करने पहुंची प्रियंका गांधी की तस्वीर आदिवासी महिलाओं के साथ छपी है। सीएए एनआरसी के खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष करती रही प्रियंका की एक तस्वीर आजमगढ़ जिले की भी है। हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने से लेकर अलग अलग मुद्दों पर संघर्ष और जनसंपर्क करती हुई प्रियंका गांधी की तस्वीरें कैलेंडर पर है। बहरहाल, प्रियंका गांधी के कैलेंडर के सहारे इस साल कांग्रेस यूपी के घरों में कितनी पैठ बना पाती है, यह तो अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ही पता चलेगा। कैलेंडर में इसके साथ ही अमेठी, रायबरेली, हरियाणा, झारखंड सहित यूपी में प्रियंका गांधी द्वारा किए गए जनसंपर्कों की तस्वीरें बहुत करीब से छापी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कैलेंडर को लेकर यूपी कांग्रेस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि फिलहाल संगठन को मजबूत बनाने के अभियान के तहत न्याय पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के गठन का काम तेजी से चल रहा है। कांग्रेस के पदाधिकारी 3 जनवरी से अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास पर है। सूत्रों के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में प्रियंका यूपी के दौरे पर जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल प्रियंका ज्यादातर वक्त यूपी में ही बिताएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।